सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन क्यों रोने लगे केजरीवाल? क्या केजरीवाल की कुर्सी के साथ जाएगी आम आदमी पार्टी की सदस्यता? सीबीआई ने ऐसा क्या दिखाया, भड़क गए जज साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करंट दिया है, आम आदमी पार्टी के मुखिया चिल्ला पड़े हैं। केजरीवाल को उम्मीद थी कि आज किसी भी हाल में जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन आखिरी उम्मीद उस वक्त टूटी जब सीबीआई ने तुरुप का इक्का चल दिया, सबूतों की पोटली जज साहब के आगे रख दी। और क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने चौंकाने वाला छुटते ही फैसला सुना दिया। दरअसल सीबीआई ने एससी में जवाब दाखिल किया कि क्यों अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी है। सीबीआई ने अपने खुले शब्दों में बताया, अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई के आरोप, केजरीवाल की शराब नीति को बनाने और उसके क्रियान्वयन में अहम भूमिका थी। केजरीवाल शराब घोटाले की जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं। घोटाले में शामिल होने की और इशारा करने वाले सबूतों को देखते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार करना जरूरी था। जो भी केजरीवाल ने किया वो न सिर्फ अवैध था बल्कि वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा था। केजरीवाल की हरकत पब्लिक ऑफिस के गलत इस्तेमाल से जुड़ी एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। सीबीआई ने केजरीवाल पर मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई अदालतें प्रथम दृष्टया अपराध के घटित होने से तुरंत संतुष्ट होने के बार बार आदेश दे चुकी हैं। तो इसके साथ ही सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया, जिसमें केजरीवाल की याचिका ये कहते हुए हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी कि ये नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के थी या अवैध थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सुनी, तुरंत मामले पर सुनवाई ही आगे के लिए टाल दी। यानी कि अब केजरीवाल को राहत देने से केस कोर्ट ने फिलहाल तो साफ साफ इनकार कर दिया है। अब केजरीवाल की याचिका पर 5 सितंबर को सुनवाई होगी। सीबीआई केजरीवाल की दूसरी याचिका पर जवाब दाखिल करेगी। तो अब दूसरे जवाब में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या बोलती है, ये बात आम आदमी पार्टी की धड़कनें बढ़ा रही हैं। एक हफ्ते का समय कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए दिया है, अब खेल होने वाला है। इससे पहले 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई केस में अंतरिम जमानत देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। हालांकि केजरीवाल को लगा था कि जैसे ईडी केस में अंतरिम जमानत मिल गई, वैसे सीबीआई केस में भी मिल जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी काफी गिड़गिड़ाए, गिरफ्तारी को अवैध भी बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में अब आसार नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल को राहत मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सीबीआई ने जो पेच फंसाया है वो केजरीवाल की कुर्सी हिला सकता है और आम आदमी पार्टी की सदस्यता पर भी अब खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी शराब घोटाले में आरोपी बनाई जा चुकी है। फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बार बार झटके लग रहे हैं, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।